Please be seated. Today we will start a major component that is governance, right? Yeah. Governance is an important subject matter of your syllabus that comprises in GS paper 2, right? After polity, governance we quite important. कॉम्पोनेंट है जो आपको पढ़ना चाहिए राइट right? है गवर्नेंस में हमको क्या पढ़ना है हमारे सिलेबस में क्या है राइट right? तो बहुत सारे कॉमन चीजें हैं जो पॉलिटी के साथ मिलता है राइट right? जैसे इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जैसे व्हाट इज गुड गवर्नेंस सिटीजन चार्टर्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप है सिविल सोसाइटी है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दिलेबस राइट Topics of good governance, good governance, representation of people act 1951, role of civil service in democracy, role of civil service in डेमोक्रेसी राइट गुड गवर्नेंस से ही कनेक्टेड है कुछ स्मॉल टॉपिक्स हैं जैसे आर टी आई राइट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सिविल सोसाइटी यस प्लीज कम सिविल सोसाइटी सिविल सोसाइटी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सेल्फ हेल्प ग्रुप ngo and role of ngo civil society rti role of civil service in democracy again i am repeating good governance <coughs> and a small topics of good governance that is a major part of it rti civil society self help group ngo role of ngo right then another topic that is a role of civil service in democracy, right? representation of people act also, i told you. representation of people act 1950-51. central government schemes that related to weaker section, especially downtrodden scst, as well as poverty alleviation program, side-by-side, rural infrastructural developmental plan, this is also an important part, right? This is also important area that you have to study. Please close this. Apart from that, apart from that, certain other major area that you have to study, the central government schemes and reforms, right? Like introduction of GST here. लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं राइट सो दिस इज योर सब्जेक्ट मैटर दैट यू हैव टू स्टडी प्रेसर ग्रुप्स रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स पोलिटिकल पार्टीज ओके मेजर प्लान और वीकर सेक्शंस इन्हीं सब को लेकर के हमारा जो एरिया कवर होता है पॉलिटिका दैट इज अ गवर्नेंस गवर्नेंस के ऊपर आपको जो है थोड़ा वर्क करना है ये बेसिकली मेन्स का जो है टॉपिक है इसको जरूरी नहीं है कि प्री में आएंगे लेकिन कभी कभी प्री में भी क्वेश्चन आते हैं इससे सो so, आप इसको बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते हैं प्री से कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्री में भी आपसे पूछी जा सकती हैं राइट है फर्स्ट ऑफ ऑल टूडे वी विल स्टार्ट विद द गुड गवर्नेंस व्हाट इज़ गुड गवर्नेंस पहला जो आपके माइंड में एक सवाल आता होगा कि गवर्नेंस क्या होता है और जब ये टर्म देखते हैं गुड गवर्नेंस काफ़ी पॉपुलर है नाव एड इज दिस इज अ वेरी पॉपुलर टर्म राइट एवरीबडी यू विल सी कि गुड गवर्नेंस गुड गवर्नेंस आखिर ये होता क्या है वॉट इज गुड गवर्नेंस पहला सवाल यही है कि गुड गवर्नेंस क्या है राइट right? आपने एक टर्म सुना होगा मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस राइट मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस राइट यह टर्म काफी इंपॉर्टेंट है और काफी पॉपुलर है गवर्नेंस से रिलेटेड राइट है देखो गवर्नेंस का मतलब होता है फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हाउ द इंस्टीट्यूशन इज परफॉर्मिंग मान लीजिए हमने पढ़ा पॉलिटी में लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी राइट जो एग्जीक्यूटिव है लेजिस्लेचर है दोनों मिलकर पॉलिसी भी बनाते हैं उसका इंप्लीमेंटेशन भी करते हैं राइट right? अब इसको कैसे इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है ग्राउंड लेवल पर कैसे लोगों तक तो पहुंच रहा है सरकार की जो बेनिफिट है लोगों तक तो कैसे पहुंच रहा है कैसे पीपुल इससे लाभान्वित हो रहे हैं कैसे पीपुल इससे बेनिफिट ले रहे है? ये हैं ये चीजें हैं गवर्नेंस फंक्शनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन फंक्शनिंग ऑफ द मैकेनिज्म राइट जो मैकेनिज्म है जो इंस्टीट्यूशन हैं वो इंस्टीट्यूशन कैसे परफॉर्म कर रहा है कैसे डिलीवरी कर रहा है राइट right? सो so, अगर पहला सवाल पूछता है कि वॉट इज गवर्नेंस राइट है गवर्नेंस मीन्स पॉलिसी एंड डिसीजन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम दैट इज अ गवर्नेंस राइट गवर्नमेंट के पॉलिसी प्रोग्राम का जो इंप्लीमेंटेशन है उसका जो एग्जीक्यूशन है दैट इज कॉल्ड द गवर्नेंस राइट अब हम टर्म यूज करते हैं गुड गवर्नेंस राइट इट्स मीन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी प्लान डिसीजन मेकिंग राइट बाय द इंस्टीट्यूशन फ्री फ्रॉम एब्यूजेज एंड करप्शन जब गवर्नमेंट के प्लान पॉलिसी डिसीजन मेकिंग फ्री हो करप्शन से फ्री हो एब्यूजेज से जहां पर मिसयूज हो पावर का मिसयूज ना हो जहां करप्शन ना हो दैट इज कॉल्ड द गुड गवर्नेंस गुड गवर्नेंस टर्म बिकम वेरी पॉपुलर इन पोस्ट एलपीजी एरा लिबरलाइजेशन एरा में यह टर्म काफी पॉपुलर हुआ फर्स्ट टाइम दिस टर्म वॉज क्वाइन बाय वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक ने इस टर्म को क्वाइन किया नाइनटीन में एक डॉक्यूमेंट्री था डॉक्यूमेंट्री क्या है आप कह सकते हैं पेपर था गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट राइट गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट जो एक रिसर्च पेपर है गवर्नेंस गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड बैंक की टीम और भी कुछ एजेंसी के साथ रिसर्च किए अफ्रीका के देशों में एशिया के देशों में ज्यादातर अफ्रीकन एंड सब अफ्रीकन कंट्री में राइट व्हाट दे फाउंड? दे फाउंड दैट कि डिस्पाइट गिविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी दिस मनी एंड दिस टेक्निकल सपोर्ट कुड नॉट रिच टू द कॉमन मैन राइट है इतने ज़्यादा पैसा टेक्निकल सपोर्ट देने के बाद भी जब उसका बेनिफिट कॉमन मैन तक नहीं पहुंचा देन दे हैव स्टार्टेड टू रिसर्च एन दैट एरिया वाई दिस वॉज नॉट हैपन वाई द पॉलिसी वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली राइट नाइनटीन हंड्रेड एट्टी नाइन से यह सर्वे चल रहा था गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन ऑल अफ्रीकन देशों में सो द कंक्लूजन वॉज दैट कि वहाँ की जो मैशीनरी थी वहाँ का जो सिस्टम था जो इंस्टीट्यूशन था इट कुड नॉट परफॉर्म वेल टू द कॉमन पीपल इट कुड नॉट परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन डिजायर ऑफ द कॉमन मैन कॉमन मैन के डिज़ायर एक्सप्रेशन के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाए जबकि उनको काफ़ी रिसोर्स दिए गए काफ़ी जो है टेक्निकल सपोर्ट दिया गया राइट right? बट जो डिज़ायर था कॉमन मैन के लिए जो रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट तक वो पहुंच नहीं पाए राइट right? तो ये सबसे बड़ी वजह थी इसमें उन्होंने ये भी पाया कि पीपुल्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम हो रहे हैं एंड एट द सेम टाइम करप्शन वॉज द वन ऑफ द बिगेस्ट इशू राइट करप्शन जो ब्यूरोक्रेटिक करप्शन था वो भी बहुत बड़ी वजह थी जिससे लोगों तक लाभ नहीं पहुंचा राइट सो वहीं से पूरा डिबेट जो है गुड गवर्नेंस का चालू हुआ और दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट कंट्री ने इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो वर्क ऑन दैट एरिया कि हमें गुड गवर्नेंस लाना है राइट right? है और इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए अगर हम इंडिया का ही एग्जाम्पल लें तो आपने देखा होगा गुड गवर्नेंस के इनिशिएटिव में आर इट्स वेरी फेमस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भारत में अगर आप देखोगे तो आर इज वेरी पॉपुलर एट द सेम टाइम ई गवर्नेंस का कंसेप्ट है सिटीजन चार्टर का कंसेप्ट है राइट right है जीएसटी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया कुछ इंस्टीट्यूशनल सेटअप किए गए जैसे लोकपाल का है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आप देख सकते हैं राइट right है

जिससे बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स किया जा सके जैसे एम जी नरेगा एन आर एच एम ऐसी योजनाएँ ऐसे स्कीम्स गवर्नमेंट के लाए गए जिससे लोगों तक कॉमन लोगों तक जो है सरकार के बेनिफिट्स पहुंचा दैट इज द पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस राइट तो इसी चीज़ को हमें एनालाइज करना है कि भारत सरकार ने कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो आ, वर्क किए गुड गवर्नेंस के लिए हमें वो भी देखना है और सबसे पहले फ्रॉम द थियोरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की गुड गवर्नेंस होता क्या है इसके क्या पिलर्स हैं क्या कैरेक्टर्स है इसे हमें एनालाइज करना है राइट right? तो so, पहला था कि गुड गवर्नेस होता क्या वुड गवर्नेंस राइट वेन द गवर्नमेंट मेकिंग डिसीजन एंड पॉलिसी इट इज फ्री फ्रॉम द एब्यूजेज एंड करप इट रीच टू द कॉमन मैन इट रीच टू द डाउन टूड पीपल इट इज कॉल द गुड गवर्नेंस राइट अब गुड गवर्नेंस के कुछ पिलर्स होते हैं जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो इसका कुछ एक पिलर है इसका कुछ पॉइंट है राइट right? सबसे so, पहले गुड गवर्नेंस के फोर पिलर है देर आर फोर पिलर ऑफ गुड गवर्नेंस राइट वन इज इथोस राइट ई टी एच ओ एस इथोस इथोस का मतलब है टू सर्व द पीपल राइट टू सर्व द सिटीजन टू सर्व द सिटीजन राइट सिटीजन को जो कॉमन मैन है जो वहां रहने वाले लोग हैं उनके लिए सरकार क्या करी, उनके लिए कैसा उनका डिलीवरी सिस्टम है कैसे उनको सर्विस दे रहे हैं राइट इथोस एस इथोस फिर है एथिक्स आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं आपने पढ़ा होगा एथिक्स आपका एक पेपर है राइट right? है जीएस पेपर फोर में एथिक्स है राइट और उसमें आपने यह भी पढ़ा होगा कि एआरसी का जो रिपोर्ट है सेकेंड एआरसी का रिपोर्ट जैसे फोर्टीन नंबर रिपोर्ट नंबर रिपोर्ट पर्टिकुलरली जो एडमिनिस्ट्रेशन और एथिक्स के ऊपर है उसको पढ़ना है तो एथिक्स एथिक्स को थोड़ा अगर और दो स्टेप आगे इलेबोरेट करें एथिक्स मीन ऑनेस्टी इंटीग्रिटी राइट है दिस इज द टर्म रिलेटेड टू द एथिक्स ऑनेस्टी इंटीग्रिटी ट्रांसपेरेंसी राइट एथिक्स के साथ आप ये टर्म जोड़ सकते हैं ऑनेस्टी इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी राइट देन अनदर आइटम या अनदर पिलर यू कैन राइट दैट इज अक्विटी राइट यस इक्विटी सोसाइटी में यू विल सी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं आई मीन बहुत सारे सेक्शंस के लोग रहते हैं कोई बहुत ही पुअर है कोई कम्युनल वाइज मार्जिनलाइज है कोई रिलीजियस वाइज जो है सपरेशन उसको फेस करना पड़ रहा है सो व्हाट आई वुड लाइक टू से दैट जो सोसाइटी के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं सोसाइटी में जो डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं चाहे वो फॉरवर्ड क्लास है चाहे वो बैकवर्ड क्लास है उन सभी को एक साथ लाना उनको एक साथ उनकी डेवलपमेंट करना इक्वल डेवलपमेंट्स एंड द बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट शुड रीच टू द कॉमन मैन इक्विटी राइट यह टर्म भी आपका आता है एंडिशियंसी मीन परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट इफेक्टिवली डिलीवरी सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट हाउ गवर्नमेंट इज रीचिंग टू द कॉमन मैन गवर्नमेंट कॉमन मैन तक कैसे पहुंचता है कैसे अप्रोच करता है राइट और किसी भी बेनिफिट का और सरकार की इंस्टीट्यूशन कैसे लोगों तक प्रॉम्प्टली पहुंचता है चाहे वो ई गवर्नेंस का मीन हो चाहे फिजिकल हो कि डीसी है बीसी है कोई पहुंच रहा है लोगों तक सरकार की योजनाएं जैसे आपका एम जी नरेगा का स्कीम है हाउसिंग स्कीम्स है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स है आयुष्मान भारत की योजनाएं हैं एलपीजी से रिलेटेड स्कीम्स है राइट ऐसी जो स्कीम्स हैं लोगों तक कैसे पहुंच रहा है राइट ओके स्कीम्स लोगों तक कहां पहुंच रहा है कैसे लोग इसे बेनिफिट ले रहे हैं बहुत सारे स्कीम आप देखोगे कि उसमें स्कीम नहीं स्कैम हो जाता है राइट right? ऐसा नहीं होना चाहिए सो द पॉइंट इज दैट कि अगर गुड गवर्नेंस है तो गुड गवर्नेंस का ये फोर पिलर फोर आइटम को आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है जैसे इथोज है एथिक्स है इक्विटी है एफिशिएंसी है दिस इज द फोर पिलर ऑफ गुड गवर्नेंस राइट अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि कुछ क्राइटेरिया है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है गुड गवर्नेंस का राइट देर आर द सर्टेन टाइप ऑफ कैरेक्टर ऑफ गुड गवर्नेंस कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं बच्चे देखो एक चीज मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा कि जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं आपने देखा होगा प्रेसिडेंट है पार्लियामेंट है सुप्रीम कोर्ट है राइट right है फंडामेंटल राइट right है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ओके सो पॉइंट इज दैट जब ये इंस्टीट्यूशंस लोगों तक पहुंचते हैं लोगों तक परफॉर्म करते हैं देन इट इज़ अ गवर्नेंस आपका सिस्टम कैसे काम कर रहा है जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि आर्टिकल 47 है आर्टिकल 37 है आर्टिकल 39 है 41 है ये सब गवर्नेंस का ही पार्ट है गवर्नमेंट so कैसे फंक्शन करे हाउ द गवर्नेंस सिस्टम विल वर्क दैट इज आवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल अगर हम 47 आर्टिकल को अगर देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ है टू इंक्रीज टू इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल इट्स मीन गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं बनाए और लोगों को बेनिफिट दे चाहे वो आई से रिलेटेड स्कीम हो चाहे वो एनआरएलएम से रिलेटेड हो चाहे एम नरेगा हो आयुष्मान भारत है लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना है तो लोगों को लिविंग स्टैंडर्ड तक सरकार कैसे बढ़ाएगी जब सरकार कोई पॉलिसी बनाएगी और उसको डोर स्टेप तक लेके जाएगी राइट right है गवर्नमेंट आप तक पहुंचाएगी राइट right? जैसे हम कहते हैं कि वुमेन से रिलेटेड कोई स्कीम है इंपावरमेंट से रिलेटेड कोई स्कीम्स है तो कॉमन मैन को पहुंचना चाहिए महिलाओं की इंपावरमेंट होनी चाहिए ऐसा बोलते हैं हम लोग तो इस तरह से जब होता है तभी गवर्नेंस आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है अगर वो सिर्फ कागजों पे रह जाए सिर्फ पेपर पे रह जाए आज रिमोट एरिया में वो ना जाए तो गवर्नेंस नहीं हुआ आयुष्मान भारत स्कीम है कॉमन मैन को बेनिफिट ना मिले तो वो आपका गवर्नेंस नहीं हुआ राइट है नेशनल कमीशन फॉर वोमेन है अगर वो कोई काम ना करे तो गवर्नेंस नहीं है शेड्यूल कास्ट कमीशन है शेड्यूल ट्राइब कमीशन है वो अच्छे से काम ना करे फंक्शन नहीं हुआ सो गवर्नेंस जो है इंप्लीमेंटेशन पार्ट है प्लान पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन सरकार की गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूशंस है उस इंस्टीट्यूशन का पीपल के टूवॉर्ड्स कितना बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस है डिलीवरी है दैट इज कॉल्ड द गवर्नेंस राइट हाउ दिस इंस्टीट्यूशन इज परफॉर्मिंग हाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग टूवर्ड द कॉमन मैन हाउ दे आर इंक्रीजिंग देयर लिविंग स्टैंडर्ड हाउ दे आर प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स

कर रहे हैं एमपी एमएलए बन के कर रहे हैं वार्ड के कर रहे हैं काउंसिलर बन के कर रहे हैं कुछ जो है आपका जीएसटी देकर के सर्विस टैक्स के पार्टिसिपेशन कर रहे हैं तो पार्टिसिपेशन इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया पीपुल्स पार्टिसिपेशन हाउ पीपुल आर गेटिंग पार्टिसिपेटेड इन इंस्टीट्यूशन राइट है और इसी पार्टिसिपेशन से आपका निकला है अकाउंटेबिलिटी उ गवर्नमेंट इज बिकम मोर अकाउंटेबल टूअर्ड दीपल्स राइट जब गवर्नमेंट पीपुल के लिए अकाउंटेबल हो जाए वो भी गुड गवर्नेंस का एक साइन है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं पार्टिसिपेशन अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल देखें तो पार्टिसिपेशन करने के लिए सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट का आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इज ए गुड मीन बाय विच पीपुल कैन पार्टिसिपेट कॉमन मैन कैन पार्टिसिपेट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एट द ग्रासरूट लेवल राइट है सो right? पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है राइट पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है अगर आप पार्टिसिपेशन को बढ़ाते हैं तभी जाके आपका जो इंस्टीट्यूशन है जो सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर सकता है सो पार्टिसिपेशन राइट एक और आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जब हम पाकिस्तान का एग्जाम्पल या अफ्रीकन देशों का एग्जाम्पल देखते हैं तो वहां पीपुल्स की पार्टिसिपेशन ही होती है अगर हम नॉर्थ कोरिया में देखें तो 90% परसेंट वोटर टर्न आउट होता है लेकिन वो सिर्फ पेपर पे होता है लोग वोट करने नहीं जाते हैं राइट तो जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा उतना बेहतर जो है आपकी गवर्नेंस चलेगी इसी कॉन्टेक्स्ट में आप एरिस्टोटल का एग्जाम्पल देख सकते हैं हेना आडेंट का एग्जाम्पल देख सकते हो एरिस्टोटल ने वन टाइम क्या कहा था एरिस्टोटल को अगर आप याद करेंगे तो उन्होंने एक्टिव सिटीजनशिप का कंसेप्ट दिया सिटीजनशिप का मतलब है पार्टिसिपेशन सिटीजनशिप का मतलब सिर्फ ब्लड रिलेशन और बर्थ नहीं है सिटीजनशिप का मतलब होता है जब सिटीजन पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे इसी तरह हैना अडेंट ने कहा बीटा एक्टिवा और बीटा कंटेम्पलेट। बीटा एक्टिवा का मतलब होता है व्हेन पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग पॉलिसी मेकिंग दिस इज दाइस्ट लेवल ऑफ वर्क राइट सो यू हैव टू परफॉर्म यू हैव टू इंगेज इन पॉलिटिकल प्रोसेस सो पीपल ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करे वो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है आपका गुड गवर्नेस का सो पीपुल पार्टिसिपेशन पीपुल पार्टिसिपेशन को एंश्योर किया जाए यह फर्स्ट क्राइटेरिया है सेकेंड क्राइटेरिया में है रूल ऑफ लॉ रूल ऑफ लॉ राइट इट मीन द गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन इज परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन राइट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात करें लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करें गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है एट द सेम टाइम रूल ऑफ लॉ मीन ऑल पर्सन आर इक्वल इन आई ऑफ लॉ डिस्पाइट कास्ट जेंडर बर्थ प्लेस और एनी ऑफ देम आप कह सकते हो कि हर एक कॉमन मैन या कोई भी पर्सन चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे हमारे आपके जैसा कॉमन मैन हो वो रूल ऑफ लॉ के अंदर है नो बडी इज एब टू लॉ नो वन इज एब टू लॉ लॉ इज़ सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम राइट है सो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट सेट होना और इंडिपेंडेंट जुडिशरी रूल ऑफ लॉ को अगर थोड़ा और इलेबरेट करें तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बातें हो सकती हैं इसके अंदर सेपरेशन ऑफ पावर हो सकता है फंडामेंटल राइट्स हो सकते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट हो सकता है तो रूल ऑफ लॉ इज द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द गुड गवर्नेंस राइट रूल ऑफ लॉ नाउ अकाउंटेबिलिटी अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज अ अकाउंटेबिलिटी 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 एट द सेम टाइम ट्रांसपेरेंसी को भी आप जोड़ सकते हैं अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी राइट दिस इज द थर्ड कैरेक्टर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट जो है पीपल के लिए अकाउंटेबल होना देखो वोटिंग के थ्रू भी अकाउंटेबल होते हैं हर 5 साल में वोटिंग होती है अगर मान लीजिए आपको प्रेजेंट गवर्नमेंट अच्छा नहीं लग रहा है तो आप वोट कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप रिटेन कर सकते हैं तो सरकार की एक अकाउंटेबिलिटी होती है टूवर्ड्स द पीपल ओके सो हर एक इंस्टीट्यूशन आज गवर्नमेंट की ही इंस्टीट्यूशन की हम बात करें चाहे चीफ सेक्रेटरी से लेकर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक सभी अकाउंटेबल्स हैं राइट है तो उनकी एक अकाउंटेबिलिटी होती है हर एक डिपार्टमेंट की अकाउंटेबिलिटी है गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी है पार्लियामेंट में आप सवाल कर सकते हैं मिनिस्टर से कर सकते हैं राइट है उसके बाद जो भी इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहा है उनको कंट्रोल करने के लिए उनको वॉच करने के लिए सुपरविजन के लिए इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं सो so एक अकाउंटेबिलिटी अगर बेहतर अकाउंटेबिलिटी होता है बेहतर ट्रांसपेरेंसी होता है तो गुड गवर्नेंस आता है ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि पूरी तरह से सरकार ऑनेस्ट होकर हो के इम्पार्शियल होकर जस्टिस सिस्टम को फॉलो करे विदाउट फियर एंड फेवर काम करे राइट right? है अभी कुछ टर्म्स या कुछ की इसमें आप देखेंगे जैसे आर वगैरह आर भारत सरकार ने 2005 में लाया बहुत सारे कंट्री ने पहले ही ला, लाया था आर ऐसा नहीं कि भारत पहला देश है भारत सरकार ने तो काफ़ी लेट कर दिया आर 2005 में आया तो आर से आपको गवर्नमेंट के बारे में जानकारी मिलती है उससे ट्रांसपेरेंसी होता है राइट उसके बाद आप देखोगे कि गवर्नमेंट आजकल बहुत सारी चीजों को ऑनलाइन कर रही है तो ऑनलाइन से भी आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है राइट है RTI कह सकते हो, ऑनलाइन सिस्टम कह सकते हैं, जिसको आप ई e गवर्नेंस टेक्निकली बोलते हैं ई गवर्नेंस देन कुछ इंस्टीट्यूशन जैसे लोकपाल है राइट है लोकपाल है विजिलेंस कमीशन है इंफॉर्मेशन डायरेक्टेड है तो ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के लिए भी आ जो है काम चल रहा है आई मीन दिस इज ऑल्सो द कंपोनेंट ऑफ दैट ओके नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंक्लूसिव डेवलपमेंट राइट अनदर पॉइंट यू कैन राइट हियर दैट इंक्लूसिवनेस इंक्लूसिवनेस एंड इक्विटी इट्स मीन दैट कि गवर्नमेंट की जो भी वर्क हो रहा है वो सभी वर्ग पीपुल फ्रेंडली होना चाहिए समाज के सभी वर्गों का विकास करना जैसे आपने एक टर्म सुनते होंगे काफ़ी पॉपुलर है इंक्लूसिव डेवलपमेंट राइट जो कॉमन मैन है जो डाउन टोडन है काफी हम्बल बैकग्राउंड से है उनका विकास करना सभी लोगों का विकास करना राइट right? है सभी का डेवलपमेंट होना समाज के सभी सेक्शंस का वोमेन है एस सी है एस टी है माइनॉरिटीज हैं वीकर सेक्शन हैं अबेंडेंट चिल्ड्रेन हैं तो ऐसे जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं वंचित वर्ग हैं जो सामाजिक न्याय का कंसेप्ट हमने सोशल जस्टिस में पढ़ा था वो सामाजिक न्याय और सोशल जस्टिस इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हो रही है कि समाज के सभी वर्गों का विकास किया जाए राइट है डेवलपमेंट टू द ऑल इंक्लूसिव एंड इक्विटी इंक्लूसिव डेवलपमेंट आप टर्म लिख सकते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट नाउ कॉन्सेंसिस बिल्ड करना अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कॉन सेंसस आई मीन किसी भी किसी भी टॉपिक्स के ऊपर किसी भी किसी भी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर समाज के सभी वर्गो का व्यू लेना ये जो स्टेक होल्डर हैं देवी टू देम सभी के सभी को साथ लेकर चलना जो एक टर्म है ना सबका साथ सबका विकास कॉन्सेंसियस बिल्डिंग राइट कॉन्सेंसियस राइट एक सहमति होनी चाहिए कंसेंट होनी चाहिए ऐसा नहीं कि हो कि गवर्नमेंट आर्बिटरी डिसीजन ले ले गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन अगर ले तो सभी लोगों को माइंड में रख के ले और सभी को कंसिडर करके डिसीजन ले राइट right? है सभी वर्गों का ध्यान रखना सभी लोगों की के बारे में सोचना दिस इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द गुड गवर्नेंस राइट There are the different different type of the terms. There are the different different type of component comprises to the good governance, right? So these are the core top. These are the core character of good governance. Apart from that, there are other component that is also comprises to the good governance. जुडिशरी का रोल काफी इंपॉर्टेंट है ये रूल ऑफ लॉ से कनेक्टेड है व्हेन बी टॉक अबाउट द गुड गवर्नेंस द रोल ऑफ जुडिशरी मस्ट बी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जुडिशरी का जो रोल है काफ़ी फेयर हो जाता है काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो जाता है जुडिशरी सुड वर्क इंडिपेंडेंटली कभी कभी हम ट्रम देखते हैं कमिटेड जुडिशरी राइट जब जुडिशरी किसी एक पर्टिकुलर पार्टी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लिए काम करे तो उसको हम कमिटेड जुडिशरी कहते हैं लेकिन इस तरह के जो जुडिशल सेटअप है वहाँ गुड गवर्नेंस नहीं आ सकता सो so, जुडिशरी का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है और जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंटली ट्रांसपेरेंटली काम करे लोगों के राइट्स को इंश्योर करे, जस्टिस सिस्टम को मजबूत करे जुडिशल सिस्टम को मजबूत करे कॉमन मैन तक जस्टिस को पहुंचाए, तो उससे गुड गवर्नेंस हो सकता है राइट है गुड गवर्नेंस के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी का काम करना या एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में आप लिख सकते हैं कि जुडिशरी मस्ट बी इंडिपेंडेंट मस्ट बी फंक्शन अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी और अकॉर्डिंग टू द कमिटमेंट राइट सो so, जुडिशरी का इंडिपेंडेंटली काम करना उसके ट्रांसपेरेंसी के साथ फंक्शन करना किसी पार्टी के दबाव में या किसी इंडिविजुअल के फेवर में काम न करना ये चीज़ें गुड गवर्नेंस का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स होता है राइट right है तो गुड गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं तो गुड गवर्नेंस में ये कॉम्पोनेंट्स ये जो कैरेक्टर्स हैं ये कैरेक्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है राइट right है गुड गवर्नेंस का जो टर्म है वो आप देख सकते हो कि मॉडर्न टाइम में फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर वाई इट इज़ पॉपुलर वैन वी टॉक अबाउट द जस्टिस वैन वी टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वैन वी टॉक अबाउट द गवर्नेंस इट इज़ पॉपुलरली यूज राइट है करप्शन फ्री सोसाइटी होना और जो जो परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट का वो बेहतर तरीके से होना दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट कोर कंसर्न राइट है अगर मैं आपसे पूछूं कि फोर कैरेक्टर्स क्या हैं, फोर पिलर क्या है गुड गवर्नेंस का तो आप क्या जवाब देंगे वट आर द फोर पिलर्स वट आर द फोर पिलर ऑफ गुड गवर्नेंस राइट और इक्विटी है और इंक्लूसिवनेस है मैंने कहा था किसका इक्वालिटी मतलब सभी समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखना ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट जो है आ, सिर्फ वन साइडेड होकर डिसीजन ले राइट right है नेक्स्ट देखो क्या पूछ रहे थे आप रिस्पॉन्सिवनेस राइट अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट गवर्नमेंट मस्ट बी रिस्पॉन्सिव राइट गवर्नमेंट जो है आपका रिस्पॉन्सिवनेस भी एक टर्म आप जोड़ सकते उसमें रिस्पॉन्सिवनेस राइट right? गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव हो गवर्नमेंट मान लीजिए आज गवर्नमेंट के पास आप कोई इंफॉर्मेशन मांगते हो या गवर्नमेंट के पास आप किसी चीज के लिए अप्रोच कर रहे हो तो गवर्नमेंट प्रॉम्प्टली एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट राइटिवनेस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट रिस्पॉन्सिवनेस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू कैन एड टू द गुड गवर्नेंस राइट गवर्नमेंट रिस्पॉन्डिंग क्विकली टू दीपुल्स जितना क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकता है सपोज कीजिए आज आपके मार्क्सिट आप चाहते हो राइट right? है अगर आपको आर लगाना है तो इमीडिएटली होना चाहिए ओके okay? आज बर्थ सर्टिफिकेट आप बनवाने जा रहे हो इमीडिएटली होना चाहिए अगर आपको लगता है कि कोई प्रोजेक्ट में किसी तरह का इरेगुलरिटीज़ हुआ है राइट right? है तो वहां आपको कोई इंफॉर्मेशन आप चाहते हो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड यू राइट सो गवर्नमेंट का जो रिस्पांस है सपोज कीजिए कहीं पे डिजास्टर आया और आप रिस्पांस तुरंत चाहते हैं सरकार तुरंत जो है रिस्पॉन्स करे कहीं आपको पुलिस की हेल्प की जरूरत पड़े उस समय आपको तुरंत एक्शन मिले राइट right? है सो रिस्पॉन्सिवनेस गवर्नमेंट मस्ट रिस्पॉन्ड जनरली हम जानते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट होते हैं उनमें थोड़ा एलिटिज्म एक एरोगेंसी होता है वो लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं राइट है सो व्हाट आई वुड लाइक टू से दैट रिस्पॉन्सिवनेस गवर्नमेंट जो है काफी रिस्पॉन्सिव हो अब देखो अगर आपका कोई छोटा सा भी काम होगा तो आप मिनिस्टर के पास तो तुरंत जाएंगे नहीं यू हैव टू फेस ब्यूरोक्रेट राइट तो ब्यूरोक्रेट को चाहिए कि बहुत ज़्यादा क्विकली रिस्पॉन्स करें So, इससे भी गुड गवर्नेंस आता है दिस इज अनदर कैरेक्टर दैट कंप्राइज टू द गुड गवर्नेंस टू रिस्पॉन्सिवनेस क्विक एक्शन राइट सो दीज आर द कॉमन कैरेक्टर दैट यू फाउंड इन द गुड गवर्नेंस राइट अब देखो बच्चे क्या हिंड्रेंसेज हो सकता है वॉट आर द मेजर ऑब्स्टैकल दैट क्रिएट प्रॉब्लम इन द गुड गवर्नेंस राइट जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम भी हैं कुछ हिंड्रेंसेज भी हैं कुछ ऑब्स्टेकल है जिस वजह से द आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस कुड नॉट अचीव प्रॉपरली राइट जो गुड गवर्नेंस का आइडिया है जो हमने देखा रिस्पॉन्सिवनेस इक्विटी इंक्लूसिवनेस रूल ऑफ लॉ पार्टिसिपेशन अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी इंडिपेंडेंट जुडिश्री इन ऑल द पॉइंट या इथोस सो वाई दिस थिंग कुड नॉट अचीव या इसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं व्हाट आर द प्रॉब्लम्स राइट क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं So now we analyze that the hindrances or obstacle. Obstacle, what is good governance? Right? First point is that corruption. Corruption. <coughs> Delay in justice. Delay in justice. Red tapism, lack of awareness, right? Lack of infrastructure, lack of accountability, <coughs> lack of infrastructure, right? Okay. So, what are the problem in achieving the good governance? Right? What are the problem achieving in the good governance? Corruption. This is the one of the biggest problem. That is the corruption. You will see many schemes, right? For example, NRHM, NRHM, right? MG Narega, even housing schemes, housing schemes, right? बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं उसमें आप स्कैम देखते हैं राइट मान लीजिए हाउसिंग स्कीम है एक फैमिली में दो तीन बंदों को मिल जा रहा है और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको मिला ही नहीं है राइट ए पी बीपीएल इन कैटेगरी में इन्वॉल्व है कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक कमीशन होता है कट मनी होता है कि आपको ब्यूरोक्रेट को देना है या मिडिल मैन को देना है ऐसा भी होता है कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट से आपको 50,000 मिलना है तो आपके पास फोर्टी थाउजेंड नहीं मिलेगा राजीव गांधी जी एक बार कहते हैं पार्लियामेंट में कि अगर दिल्ली से एक, एक रुपया भेजा जाता है तो पचास रुपए लोगों तक पहुंच रहा है राइट right है सो पॉइंट इज दैट कि करप्शन है बीच में कट मनी होता है कमीशन हो जाते हैं तो करप्शन इज द वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यू जिससे कॉमन मैन तक सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचता है राइट right है सो दिस इज द वन ऑफ द मेजर इंड्रेंसे इन गुड गवर्नेंस बहुत सारे स्की, स्कीम्स आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट का जैसे एनआरएचएम है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है वहाँ भी स्कैम आपने सुना होगा नरेगा में सी ए जी का रिपोर्ट था कि जिसमें यूपी में छत्तीसगढ़ में आपका उड़ीसा में कुछ राज्यों में जो है जॉब कार्ड भी नकली बनाए गए थे सो एम जी नरेगा का स्कैम हाउसिंग स्कीम में आप देखेंगे बिहार में या कुछ राज्यों में ऐसे ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि जहाँ पे वहाँ स्कैम हो चुका है करप्शन का मामला डिले इन जस्टिस सिस्टम जस्टिस डिले मी जस्टिस डिनाई राइट सो so, जस्टिस जो है कॉमन मैन को जो डाउन ट्रोडन है जो पिछड़ा वर्ग का है जो वीकर सेक्शन है उसको जस्टिस नहीं मिल रहा बिकॉज जो जुडिशियल प्रोसेस है टू लेंदी है अगर आप कोर्ट में केस फाइल करते हैं उसको फाइनल हियरिंग होते होते बरसों लग जाते हैं राइट है सो so, जस्टिस में डिले इन जस्टिस सिस्टम इट इज टू एक्सपेंसिव लोक अदालत है बहुत सारी चीजें बनी हैं बट उसका कॉमन मैन को बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है उसके बाद रेड टेपिज्म जो आप ब्यूरोक्रेटिक लेदारजी की बात कर रहे हैं जो उनका एक कल्चरल एलिनेस है कि कल्चरली ब्यूरोक्रेट अपने आप को सुप्रियर मानते हैं उनका पीपुल के साथ डिसकनेक्शन है बहुत जगह पे आप ये देखोगे कि ब्यूरोक्रेट आर नॉट रिस्पोंडिंग प्रॉपरली राइट है दिस इज द एलिटिस्ट कल्चर द ब्यूरोक्रेट इज स्टिल गोइंग ऑन ब्रिटिश जमाने में जो था वैसा नहीं है कि आज कुछ सुधार नहीं हुआ है रिफॉर्म हुआ है बट द पॉइंट इज दैट स्टिल वो माइंडसेट चल रहा है कि पीपल के साथ हमें टच नहीं करना अभी जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि जम्मू कश्मीर का अगर आप एग्जांपल देखिए तो बैक टू विलेज का प्रोग्राम गवर्नमेंट चला रही है ऐसे ही बहुत सारे राज्यों में डायरेक्ट कलेक्टर को यह बोला जाता है कि आप गाँव में जाके कैंप कीजिए बीडीओ को बोला जाता है कि आप लोगों की बात सुनिए जो रिप्रेजेंटेटिव है आप उनसे टॉक कीजिए राइट right राइटे जनप्रतिनिधि के साथ बात कीजिए कॉमन मैन से पार्ट बात कीजिए और एक जनता दरबार लाइए जिससे पीपुल का ब्यूरोक्रेट के साथ सीधा कनेक्शन हो पाए तो इस तरह की चीजें करी जा रही है काम देखते हैं कि ब्यूरोक्रेट अभी भी जो है एटीन सेंचुरी और नाइनटीन सेंचुरी के माइंड से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। <laughs> lack of lack of awareness you will see in india most of the people are not aware about their rights, okay? They don't know how to file RTI ya unke या उनके क्या to हैं तो कभी कभी लोग jate hain हो जाते हैं mein okay? aisa so, भारत में ऐसा भी देखने को मिलता है कि utne सारे लोग उतने एजुकेटेड नहीं हैं अवेयरनेस का एक समस्या है चाहे राजस्थान आप जाइए चाहे आप यूपी जाएँ बिहार जाए उड़ीसा जाए आंध्रा जाइए बहुत सारे राज्यों में ये समस्याएं देखने को मिलता है कि लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं है पीपुल आर नॉट अवेयर अबाउट दैट वट इज देयर राइट्स एंड हाउ दे हैव टू बी रिस्पॉन्डेड सो अवेयरनेस की समस्या भी हमें देखने को मिलता है एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि जो इंस्टीट्यूशन किसी भी तरह के सर्विस सिस्टम से रिलेटेड है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो पा रही उनको एक तय समय सीमा होना चाहिए दे हैव टू बी डिटमाइंड जैसे आर टी पी एस एक्ट है लेकिन बहुत समय पर हम ये भी देखते हैं कि उतने अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है कहीं कहीं आर है लेकिन आर जो है अच्छे से इफेक्टिव नहीं हो पा रहे हैं सो so, एक अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए हर एक डिपार्टमेंट में और सिटीजन चार्टर आप देखेंगे कि पेपर में वर्क कर रहा है राइट सिटीजन चार्टर को फुल्ली इंप्लीमेंट होना चाहिए ओके okay? एक अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए आज कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है राइट right है आप देखेंगे बहुत सारे मामले में ऐसा हुआ कि एक इंक्वायरी कमिटी बैठा दिया गया है और सालों साल उस पर काम चलता रहता है हालांकि कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल आए जहां क्विक एक्शन हुआ अभी रिसेंटली उड़ीसा में एक एक्सीडेंट हुआ क्विक एक्शन हुआ लेकिन अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए और चाहे वो छोटे से छोटे ऑफिसर हो चाहे चीफ सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर हो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए राइट है और इंफ्रास्ट्रक्चर अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आपको दिखने को मिलता है जैसे कि अगर आप रूरल इंडिया में जाएंगे तो वहाँ वाईफाई का कनेक्शन नहीं है मोबाइल का कनेक्शन जो है आपका नेटवर्क अच्छी नहीं चल रही वहाँ पर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं पहुंचा है राइट है बहुत सारे ऐसे विलेज हैं जहां पर आप देखोगे पक्की सड़कें अभी भी नहीं है आई एम टेलिंग यू अभी भी नहीं है राइट है ब्रिज नहीं बने हुए हैं स्कूल्स नहीं है हॉस्पिटल्स नहीं है राइट उसके बाद पंचायत भवन जो जो हम पेपरों पर पे देखते हैं यार सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं कि पंचायत भवन को वाईफाई दिया जाएगा नेटवर्क दिया जाएगा इंटरनेट होगा राइट है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है लेकिन रूरल एरिया में स्पेशली दे आर नॉट प्रॉपर्ली वर्किंग इन सम डिस्ट्रिक समलेज दे आर वर्किंग बट अक्रॉस इंडिया फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल इफ यू विल सी सभी जगह प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी समस्या आ रही है सो अगर हम गवर्नेंस को लेकर गुड गवर्नेंस को लेकर अगर प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे भारत में तो बहुत सारी समस्याएँ गुड गवर्नेंस को लेकर के हैं और एक हिंड्रांसिस का काम कर रहा है गुड गवर्नेंस तभी बेहतर तरीके से स्टेब्लिश होगा जब इन सभी एरियाज पे काम किया जा सकता है राइट है वॉट इज गुड गवर्नेंस कैरेक्टर ऑफ गुड गवर्नेंस ऑब्स्टेकल प्रॉब्लम ऑफ गुड गवर्नेंस नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हाट आर द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो फार रिगार्डिंग द गुड गवर्नेंस देखिए ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने बहुत सारे काम नहीं किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डन रिमार्केबल जॉब इन दिस कंसर्न राइट है आप देखेंगे चाहे सिटीजन चार्टर्ड का इशू हो इवन आर का इशू हो सो नंबर ऑफ स्टेप्स हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द गुड गवर्नेंस सो वी विल एनालाइज दिस थिंग देखिए कुछ इंस्टीट्यूशन लेवल पे आते हैं जैसे 73rd Constitutional Amendment Act, right? 73rd Constitutional Amendment Act and 74th Constitutional Amendment Act. It is related to democratic decentralization, right? 73rd and 74th Constitutional Amendment Act. It is related to democratic decentralization right it has transfer ruler india you will see post 1993 you will see there are the ruler infrastructure development because panchayati system has been established although in india this is not uniform uniformly applied but you will see the panchayati system has certainly achieved something in infrastructure sector right so 73rd amendment

सर्टेन टाइप के जो पॉलिसीज हैं स्कीम्स हैं उसमें आप देखेंगे अगर कुछ इरेगुलरिटीज होती है तो आप आर कर सकते हो आपने देखा होगा बहुत सारे डैम बनाए जाते हैं बहुत सारे ब्रिज बनाए जाता है लेकिन विद इन वन ईयर वो कोलैप्स कर जाता है ऐसा ही एक दो ब्रिज आपने बिहार में देखा होगा राइट right है ब्रिज ही कोलेप्स कर गया और बहुत सारे इनोसेंट पीपल्स हैज बिन डाइंग राइट सो आर इज ऑल्सो अ गुड टूल बहुत सारे आर एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने काफी अच्छा काम किया है आरटीआई लोकपाल लोकपाल और लोक आयुक्ता लोकपाल एंड लोक आयुक्ता लोक आयुक्ता एट द स्टेट लेवल लोकपाल एट द नेशनल लेवल दिस इज ऑल्सो यू कैन कोट हियर देन सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टेचरी बॉडीज लाइक नेशनल नेशनल कमीशन फॉर एस सी नेशनल कमीशन फॉर एस टी शेड्यूल कास्ट कमीशन शेड्यूल ट्राइब कमीशन राइट है देन नेशनल कमीशन फॉर वोमेन नेशनल कमीशन फॉर माइनोरिटीज राइट नेशनल कमीशन फॉर वोमेन नेशनल कमीशन फॉर माइनोरिटीज़ राइट है माइनोरिटीज कमीशन है वोमेन कमीशन है Then citizen charter. You can also write citizen charter. As we know that John Major, British Prime Minister, first time introduced, it and then number of country has initiated citizen charter. Citizen charter. Write citizen charter. Okay, citizen charter. Then GST. GST. GST is one of the biggest reform in tax system. भारत में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टाइप के जो टैक्स थे उनसे एक आप वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिफॉर्म यू कैन सी दैट इज अ जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी नेशनल डिजास्टर नेक्स्ट है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट उाइल एक्ट टू थाउजेंड फाइव नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को भी आप लिख सकते हो इन टू थाउजेंड फाइव जी एस टी आर टी आई शेड्यूल कास्ट कमीशन शेड्यूल ट्राइब कमीशन टू थाउजेंड सिंस टू थाउजेंड सिक्स नेशनल ई गवर्नेस प्लान ई गवर्नेस प्लान है नेशनल ई गवर्नेस प्लान राइट ई e गवर्नेंस के क्षेत्र में आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा भारत ने काम किया है आप कुछ राज्यों में देखेंगे कि लैंड का सर्वे एग्रीकल्चर लैंड का रजिस्ट्रेशन वगैरह ऑनलाइन हो चुका है जैसे केरला में फ्रेंड है राइट है इवन राजस्थान में ई मित्रा करके साइट्स हैं गवर्नमेंट ने भारत सरकार ने एन भी सेटअप किया है राइट सो ई गवर्नेंस के सेक्टर में आप देख सकते हैं कि भारत सरकार ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं चाहे राज्यों राज्यों में भी आप देख सकते हो देर आर द नंबर ऑफ एटेट विच सेक्टर में okay? good governance में प्राइम अवार्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन जो 2005 से इनिशिएट किया गया प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड ठीक है इन एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर ओके okay? ये भी आप जो है कोट कर सकते हैं गुड गवर्नेंस के लिए ओके नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नीति आयोग नीति आयोग को भी आप देख सकते हो कि गुड गवर्नेंस का एक इनिशिएटिव है नीति आयोग इज आल्सो अ टूल फॉर गुड गवर्नेंस राइट सेकेंड एआरसी का अपॉइंटमेंट होना और उसके कुछ रिपोर्ट्स रिलेटेड टू एथिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेकेंड एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन राइट इसको भी आप कोट कर सकते हैं इनिशिएटिव एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट की जो कुछ पॉलिसीज हैं अगेन आई आई विल कम टू द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स राइट जैसे एम जी नरेगा आयुष्मान भारत उज्ज्वला एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड राइट एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट राइट है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट राइट इन सभी पॉइंट्स को आप सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स में रख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स में रख सकते हैं जिससे भारत में गुड गवर्नेंस के लिए प्रयास किए गए हैं राइट right है अभी आप देखेंगे टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो है सर, जो ब्यूरोक्रेट है उनकी भी अकाउंटेबिलिटी के लिए जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस या बहुत आप कह सकते हो कि चार्टर्ड वगैरह भी फ्रेम किया जाता है कि जिससे रिफॉर्म हो ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म या इवन आपका इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज होते हैं सो दीज आर द सम पॉइंट्स विच पॉइंट कैन अ गुड गवर्नेंस इन इंडिया राइट सो व्हाट इज गुड गवर्नेंस आर द कंपोनेंट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द गुड गवर्नेंस राइट है सारी चीजें इसका पार्ट है ओके कोई सवाल है तो पूछ सकते हो आप इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्ट मी किसको जॉन मेजर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर हैज फर्स्ट टाइम फ्रेम सिटीजन चार्टर सिटीजन चार्टर जो है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर ने फ्रेम किया उसके बाद हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में सिटीजन चार्टर का कंसेप्ट आया और भारत में भी सिटीजन चार्टर का कंसेप्ट है चाहे इवन आप लोकपाल आरटीआई एंड ऑल दिस थिंग्स राइट ठीक है पूछिए कोई सवाल है तो पूछो बच्चे इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी क्वेश्चन